हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार। आप देख रहे हैं बूस्ट एसएल वी इनफॉर्म बेटर। तो आज की नोटिफिकेशन निकाली गई है बीडीएल की तरफ से, यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से। आप ही जानते हैं कि भारत डायनेमिक लिमिटेड है वो डिफेंस सेक्टर में काम करता है, यानी कि एक पीएससी हुई, ठीक है। और यहाँ पर 80 जो पोस्ट है वो निकाली गई है, और ये 80 जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, यानी कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पर जॉब लगने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो जॉब है वो कितने साल के लिए यहाँ पर है। एक साल के लिए नहीं है, ये एक साल तक रहेगी, लेकिन ये एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है। 4 साल तक आपको यहाँ पे बीडीएल के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अगर किसी पीएससी में कभी आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो इतने इससे अच्छा और क्या ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका सैलरी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपका हर साल जो रहेगा वो सैलरी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात बताता हूँ आपको यहाँ पर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला, ताकि आप इस वीडियो को छोड़ के जा सके अगर आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। यहाँ मैं एक चीज बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हैं एचपीसीएल में या और भी कहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इस नोटिफिकेशन को आप केवल इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए, क्योंकि जो बीईबीटेक से बिलोंग करते हैं ना उनके लिए भी सेम नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपने डिग्री कर रखी है कॉमर्स से तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने बीईबीटेक कर रखा है डिप्लोमा के बाद तो भी आप अपने डिप्लोमा के बेस पे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। केवल बीईबीटेक यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट। अगर आपने अभी अप्रेंटिसशिप करना चालू कर रखी है, अगर आप बीईबीटेक से, तो इस वीडियो को केवल इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए, क्योंकि सेम एप्लीकेशन जो आता है वो बीईबीटेक के लिए आता है जो कि अप्रेंटिसशिप कर चुके होते हैं, ठीक है। एक साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी वैलिड है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, तो अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीईबीटेक के लिए सेम एप्लीकेशन आता है, मैं बता आपको चुका हूँ। उसमें आपका सैलरी का स्ट्रक्चर आता है, पहले साल में आपको 30,000 मिलती है, और दूसरे साल में 35,000, 40,000, फिर 45,000 तक यहाँ पर सैलरी जाती है, ठीक। यही नोटिफिकेशन आपका आता है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वो डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए है, ठीक है। आप केवल इसे इन्फॉर्मेशन के लिए देख लीजिए, बाकी अदर वीडियोस जो आती हैं आपकी बीईबीटेक के लिए तो मैं आपको बताता रहूंगा। सो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया होगा कि केवल आपके डिप्लोमा और आईटीआई वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीईबीटेक कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ब्रांचेस की बात अभी मैं करूंगा। और आपको 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पास ये है तो आगे बढ़िए वीडियो में, नहीं तो आप वीडियो को यहाँ से छोड़ दीजिए अच्छी तरीके से। और नॉलेज के लिए अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि भारत डायनेमिक लिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है। 80 पोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब यहाँ पे निकाली गई है, और डिफरेंट डिफरेंट आपके जो लोकेशन होती है प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो रहेगी, जिसमें दिल्ली भी आपका एक लोकेशन है, ठीक है। तो आप दिल्ली के आसपास बिलोंग करते होंगे तो इस नोटिफिकेशन जरूर से जरूर भरिएगा, ठीक है। हैदराबाद है, तेलंगाना स्टेट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पोस्ट 1 से लेकर पोस्ट 5 तक के यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है। पोस्ट बहुत ज्यादा है तो मैं एक एक करके नहीं ले पाऊंगा नाम, लेकिन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करता हूँ यहाँ पे। सो 1 से लेकर 5 तक की पोस्ट आप देख पा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 9 पोस्ट है। आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे कंचनबाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में दे रखा है, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। देन इसके बाद 6 से लगाकर हम 11 की अगर बात करते हैं, सो यहाँ पर 11 नंबर ऑफ द पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे 2 है, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना स्टेट दे रखा है, एंड देन इसके बाद भानूर यूनिट सरगडेडी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट दे रखा है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं 12 से 15 के बीच में, सो 12 से 15 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा विशाखापट्टनम यूनिट में आपको, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में सिलेक्टेड होने का मौका मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी की हम लोग बात करते हैं तो 13 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 36 देखने को मिलती है। आप इसी नोटिफिकेशन जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको और भी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि हम बात करते हैं 16 से लेकर 20 तक की, तो यहाँ पे 13 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और पोस्टिंग एरिया जो आपको मिलेगा कंचनबाग यूनिट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, यहाँ पे फिर से यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है। इसके बाद 21 से लेकर आप 24 तक की देख पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2-3 जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लेसन ऑफिस न्यू दिल्ली दिखेगा आपको देखने के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना स्टेट दिखेगा, और भानूर यूनिट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लास्ट में हम देख पाएंगे 25 से लेकर 28 तक यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी 15 निकाली गई हैं, और डिस्ट्रिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर पोस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप बगल में आपका जो SC ST और अनरिजर्व का जो क्राइटेरिया है पोस्ट कितने निकाली गई वो आप देख पाएंगे, और सबसे लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है, 1 साल का। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और जो बीईबीटेक वाले देख रहे हैं वो केवल नॉलेज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही नोटिफिकेशन बीईबीटेक के लिए भी आता है, तो आप इस वीडियो में बने रहना। अब देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दोनों को अगर हम जोड़े ऊपर और नीचे तो 80 मिला के होती है, ठीक है। नीचे आप देख पाएंगे कि एज का क्राइटेरिया जो आपको दे रखा है वो 28 ईयर्स आपका होना चाहिए मैक्सिमम ईयर्स, बाकी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं।
नीचे आप देख पाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। मैं कुछ का क्वालिफिकेशन आपको बता देना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल में आपको 3 साल का आपको डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में, जैसे कि प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डिप्लोमा चाहिए होगा, ठीक है, 3 साल का। जैसे कि इलेक्ट्रिकल में आपको चाहिए होगा, कंप्यूटर्स में चाहिए होगा, और यहाँ पे कॉमर्स की जो डिग्री अगर लिए हुए हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना जो ब्रांच है वो अच्छी तरीके से इस पीडीएफ में जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद आप देख पाएंगे नीचे की ओर कि आपको कंसीडरिंग फॉर द पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस, तो 1 साल का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ठीक है। आपका पे स्केल जो होगा वो दिखाना होगा, आपको बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। इसके लिए नीचे हम चल रहे हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की तरफ। तो नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो टर्म्स एंगेजमेंट होने वाला है सो वो 1 साल के लिए होगा, लेकिन आपको 4 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सो आप 4 साल तक पीडीएल में काम करते रहेंगे। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा रेन्यूमरेशन, तो रेन्यूमरेशन के साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको 10,000 रुपए भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यू विल पेड एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, के लिए आपको स्टिचिंग चार्जेस के लिए, फुटवेयर अलाउंसेस के लिए आपको 10,000 एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रेन्यूमरेशन आपको दे रखा है कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर टूल डिजाइन, ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एचआर फाइनेंस स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे सैलरी जो दे रखी है पहले साल की वो 25,000 दे रखी है, दूसरे साल की 26,500, 28,000, फिर 29,500, चारों साल की आप अपनी सैलरी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और आप यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर वो आप अपने सामने देख पा रहे, जो कि फिटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, वेल्डर के लिए जो निकाली गई सैलरी है वो है 23,000, ठीक है, 24,500, 26,000 और 27,500, ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो चारों साल की सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर आता है, तो यहाँ पर केवल आपका इंटरव्यू ही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप अपने राइट हैंड साइड पर देख पा रहे हो यहाँ पे वेटेज आपको दे रखा 75, ठीक है, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स, 75 मार्क्स आपको दे रखा बीई बीटेक में, जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको नंबर यहाँ पे 75 दिया जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद 10 मार्क्स दिया जाएगा आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस के तौर पर दिया जाएगा। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, देन इसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, देन इसके बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है इसके इससे थोड़ा कम है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 15 मार्क्स का यहाँ पे लिया जाएगा। टोटल अगर हम समिशन करते हैं इसका तो 100 मार्क्स होता है। अब आपका 100 मार्क्स ये यहाँ पर हो जाएगा सो आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा वो आपका मेरिट लिस्ट पर बेस्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपको यहाँ पे मेल भेजा जाएगा ऑफर लेटर का। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब कि एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली, ठीक है, अनरिजर्व के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 200 रुपए फीस रखी गई है। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस ये देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर आप अच्छी तरीके से पोस्ट को पा सकते हैं तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पे 200 रुपए भर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं जनरल कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा एक पॉइंट कि आप केवल एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप जहां भी अवेलेबल हो, मतलब जहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि दिल्ली में आप अप्लाई कर सकते हो तो आप तेलंगाना स्टेट में भी करेंगे। सो केवल आप एक ही पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये साफ साफ इन्होंने कह रखा है। और जो बीई बीटेक की जो लिस्ट आती है यही सेम नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, हैदराबाद के लिए और अदर स्टेट के लिए, तो आपको केवल एक ही पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजने भी पड़ते हैं, वो अभी मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे दे रखा है ड्यूली साइंड प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप, इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, उसका स्लिप आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसको आप अच्छी तरीके से स्कैन करेंगे, देन उसके बाद सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ड्यूली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, या तो आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। देन इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे हाउ टू अप्लाई सेक्शन, तो आपको अप्लाई जो कर देना है वो 4/6/2022 से पहले पहले अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट को भेजना भी है, ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट करना है, तो जितना जल्दी आप भर के स्पीड पोस्ट भेज देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर देरी हो जाएगी तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 200 रुपए भी आपके बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। 4/6/2022 भरने की डेट है, आप पहले भर दीजिए 4 जून, ठीक है, 2022। अब नीचे आप देख इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, अब भरने की। देन इसके बाद आप देख पाएंगे कैंडिडेट शुड डाउनलोड द बायोडाटा फॉर्म, ठीक है, फॉर्मेट आपको दे रखा होगा ये बीडीएल की वेबसाइट पर, उसका भी मैं हो सकता है लिंक आपको प्रोवाइड कर दूं, नहीं करता हूं तो आप बीडीएल की वेबसाइट पर जाके बायोडाटा का फॉर्म आप डाउनलोड करके इससे भर लीजिएगा, ठीक है, स्कैन करा के डाउनलोड करके भर लीजिएगा। देन उसके बाद कैंडिडेट शुड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है विद बायोडाटा के साथ अलॉन्ग विद द मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट टू द एड्रेस SMCER, ठीक है, TANCP
भारत डायनेमिक लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिस का प्लॉट नंबर 3839 आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, TSFC बिल्डिंग नियर ICICIC टावर, ठीक है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गोची बाउली हैदराबाद तेलंगाना 50032, ठीक है, एस टू रीच हेयर बाय लेटेस्ट बाय 13/6/2022, 13 जून तक आपका पहुंच जाना चाहिए, 4 जून आपकी लास्ट डेट है भरने की, इससे पहले आप भर दीजिए और पहुंचा भी दीजिए, ठीक है। देन इसके बाद आप देख पा रहे हैं एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सुपर स्क्राइब, यानी कि जो आपका एनवेलप होगा ना उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट बीइंग अप्लाइड इन कैपिटल एंड बोर्ड लेटर में आपका लिखा होना चाहिए, मेंशन योर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर रिजर्व साइड ऑफ द ऑल द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट एनलक्स क्लोज, आपको इसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे स्लिप करके रखना है, सेल्फ अटेस्टेड आपके होने चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ आपका जो भी आपकी पे की जो स्लिप है वो भी आप डाल दीजिएगा, इसमें बेहतर रहेगा आपके लिए। नीचे आप देख पाएंगे कि आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, 14/5/2022 को एप्लीकेशन चालू हुआ है, आपको 6/4 तक यहाँ भर देना है और 13/6/2022 तक आपको वहां पर पहुंचा देना है अपना जो हार्ड कॉपी आपकी वहां पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है आपको। और नीचे आप देख पाएंगे भाई साहब बहुत सारे ईमेल्स वगैरह आपको दे रखे होंगे, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती तो आप बीडीएल के जो यहाँ पे ईमेल दे रखा है उसमें जाके आप पूछ भी सकते हैं कोई भी इश्यू होता है अगर आपको, और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, वहां पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैं सारे के सारे आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया होगा। यहाँ पर डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है, और जो रिलेवेंट ब्रांचेस है आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन नॉलेज से भरा हुआ है, और यही सेम नोटिफिकेशन आपका बीबीटेक के लिए निकलता है, के प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए निकलता है, ठीक है, प्रोजेक्ट की प्रोफाइल जो निकलती है उसके लिए निकलता है। यहाँ पे सबको सैलरी स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, 30,000 रहता है, 35,000 रहता है, 40,000, 45,000 तक जाता है, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब यहाँ पे होती है, आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो HPCL के बाद अगर आपको कहीं पे भी काम करने का मौका मिलता है ना, मैं आपको बता रहा था अपॉर्चुनिटी, तो वो BDL में मिलती है, इसका मैं नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको बताऊंगा कि कैसा होता है, ठीक है। आई होप 200 रुपए अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका पोस्टिंग कम से कम हो जाएगा, दिल्ली वगैरह में तो कम से कम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो उसे भी आप दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन और बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। हमारे चैनल का नाम है बूस्ट सेल्फ HPCL, बी इन फॉर्म बेटर। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।